वही वो जगह थी जहाँ उस दिन शूटिंग हुई थी। हाँ लेकिन ये तो गोडाउन है अवंतिका। नहीं नहीं यकीन कीजिए मेरा, यहाँ उस दिन शूटिंग हुई थी। हाँ 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 हमें तुम पर पूरा यकीन है, रिलैक्स। एक काम करते हैं, किसी से पूछते हैं, किसी से। एक्सक्यूज मी, सुनिए सुनिए सुनिए, हमें ना बताया गया था कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही है, पूरा सेटअप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। आए थे कुछ लोग, कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे, इस जगह को शूटिंग के लिए किराए पे लिए थे, फिर कुछ दिन शूटिंग भी किए, फिर पता नहीं अचानक रातों रात कहाँ गायब हो गए। हेलो हसीना जी। हाँ मैं कमल, उस दिन आपसे मिलने वाला था उस रैकेट के खिलाफ सारे एविडेंस देने के लिए। कमल तुम कहाँ हो? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, परेशान हो गए तुम्हें ढूंढकर। तुम कहाँ अचानक से गायब हो गए थे, तुम बताओ कहाँ हो? हम अभी वहीं आते हैं। नहीं मैडम, आपको पेन ड्राइव देने आने का वादा किया था, लेकिन लेकिन क्या, जान सबको प्यारी होती है मैडम। उस दिन भी जब मैं आपसे मिलने वाला था मेरी जान खतरे में थी, वहाँ से गायब ना हो गया होता तो ऐसा गायब किया जाता कि फिर कभी किसी को ढूंढने पर भी नहीं मिलता। हेलो हेलो कमल, हेलो। अरे हाँ हेलो हेलो कमल सुनो। कमल मैं भी अभी शो का नंबर है। अच्छा भैया वो अभी अभी जो आदमी जिसने अभी फोन किया था लास्ट, वो कहाँ गया? मैडम वो तो निकल गया। बारबी जी, हम आपको अपने होनहार स्टाफ से मिलवाते हैं। ये हैं पुष्पा जी, हेड कांस्टेबल कम काउंसलर। अभी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है, थाने का सारा पेपर वर्क इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, FIR से लेके डेली एक्सपेंसेस तक सब यही देखती हैं। जी मैडम बहुत बढ़िया। ये हैं संतोष शर्मा, यहाँ के साइबर एक्सपर्ट, शार्प इंटेलिजेंट, अपने काम में माहिर, झूठ बोलने पर पेट दर्द, नो फिल्टर के साथ बातें करना, जो मन में आए बोल देना बिना ये सोचे कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजिस्ट, ये औरतों के हाव भाव देखकर बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो चीता चतुर्वेदी, क्या बताएंगे कि अभी क्या चल रहा है संतोष शर्मा के मन में? क्या वो हमें आज यहाँ देखकर खुश हैं? खुश हैं संतु जी, बहुत ज्यादा खुश हैं आपको यहाँ पर देखकर मैडम। मतलब इनके अंदर ना खुशी का ज्वालामुखी फट रहा है, अंदर ही अंदर एकदम खुशी सुनामी आ गई है इनके अंदर। देखने से तो नहीं लग रहा। नहीं, वो अंदर ही अंदर खुशी की सुनामी आई है ना, अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फटी है ना, इसीलिए लग नहीं रहा। वैसे खुशी ओवरफ्लो हो रही है संतु जी की। झूठ, पर आपका ये झूठ भी क्यूट है तो चलेगा। क्या बात है बारबू जी, पूरा डिटेल में रिसर्च कर आई हैं आप हमारे थाना के बारे में? मैडम पुलिस वाले हैं, बिना किसी जानकारी के तो चप्पल चोर को भी नहीं पकड़ते। ये तो अपना थाना है, अपडेट तो रहना पड़ता है, और पुलिस वालों को तो वैसे भी अलर्ट रहना पड़ता है। चीता चतुर्वेदी अपना फोन दिखाइए प्लीज। हाँ मेरा फोन। संतु जी आप हमारा फोन देखेंगे? पता नहीं, हर वक्त कहीं और ही ध्यान रहेगा तो लोग तो फायदा उठाएंगे ही ना। कहा था ना पुलिस वाले हो, पूरे दिन अलर्ट रहना पड़ेगा। मैडम अलर्ट रहना तो बहुत ठीक बात है, लेकिन हर वक्त कुछ ज्यादा अलर्ट रहना ना कभी कभार नुकसानदेह साबित हो जाता है। मतलब? मतलब ये कि जो फोन आप उठाई है ना वो हमारा नहीं, करिश्मा मैडम का फोन है। मजा का बात तो ये है कि इनको भी पता है कि आप ही इनका फोन ढापी हैं। अब इतना भी हल्का में मत लीजिए बारबी जी, हमको कदरदान हुए हैं, दीवाने नहीं हुए हैं अभी। अब इतना आसानी से चूरन बन जाएंगे तो किस बात के दरोगा बताइए। हाँ तो हम तभी देख रहे थे जब आप हाथ साफ कर रहे थे हमारे फोन पर। इतना आप सबके बारे में जानकर आई है, थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी जान लेती, इतना अंडर एस्टिमेट तो नहीं करती हमको। सॉरी मैडम। अरे ना ना, सॉरी का क्या बात है, ऐसी तो होता है जान पहचान का आदान प्रदान। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। पुष्पा जी हमें FIR रजिस्टर चाहिए।
जी मैडम सर। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। दो। अरे नहीं 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 मैडम, चाय नहीं पियेंगी, मैं उनके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। मैडम मैंने आपके कैबिन में ही रखी है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ए भैया अपने हाथ से ले लेना। अरे अरे इसे क्या हुआ, हमें नहीं मालूम। ये राखियां अब तक संभाल के रखी है इस हसीना मलिक ने। सच इमोशनल फूल। अरे आप वहां क्या ढूंढ रही है? अब वो कॉफी, कॉफी मग हसीना मैम के लिए कॉफी देनी। वहां वहां कहां ढूंढ रही है कॉफी का मग? मैडम सिर्फ वहां थोड़ी ना रखती है, वो तो ये देखिए यहाँ रखती है। ओह अच्छा, मैडम सर को कॉफी देनी है ना? हाँ हम देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। चार महीने हाँ आपकी कॉफी। अरे वाह कॉफी क्या बात है, पुष्पा जी हमको चाय के नाम पे विश पिलाती हैं और मैडम सर को एकदम ताजा ताजा कॉफी। नहीं मतलब उनको इतना मक्खनबाजी करती और हम आपको दिखाई नहीं देते। पुष्पा जी हमारी कॉफी करिश्मा सिंह को दे दीजिए। अगर ये कॉफ़ी किसी और ने पी ली तो सबको पता चल जाएगा कि इस कॉफ़ी में दवाई मिलाकर मैं हसीना मलिक को पिला रही हूँ और मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। नहीं नहीं मैडम सर, बात कॉफ़ी की नहीं है, बात है पक्षपात की, जो पुष्पा जी करती हैं हमेशा। आपकी पूरा दिन परिक्रमा करती है और हम दिखते नहीं हैं उनको। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब पी लीजिए कॉफ़ी, बहुत टेस्टी बनाती हैं ये कॉफ़ी, पीकर तो देखिए हमने टेस्ट की है। अब तो आप पी ही लीजिए। अरे मैम ये क्या, आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ, पीजिए ना, आप पी के देखिए दिल खुश हो जाएगा आपका। पुष्पा जी कॉफी सिर्फ मैम के लायक ही है, आप लोगों के लिए मैं कल बना के लेके आती हूँ ना। हाँ हाँ बार भी कॉफी हमने पी या करिश्मा सिंह ने पी, एक ही बात है, आप पी लीजिए। काम कीजिए पुष्पा जी, आप पीजिए कॉफी, चाय को आने में टाइम है, पीजिए। नहीं नहीं हमें कॉफी ऑफी का कोई शौक नहीं है, हमको तो बस हमारी देसी अदरक वाली चाय ही बहुत पसंद है, वो पीने से ही हमको एसिडिटी हो जाती है, सुकून मिलता है। नहीं पीना है किसी को कॉफी नहीं पीना है, कोई बात नहीं। संतु जी आप पी लीजिए, सुबह से झुरमुराए फिर रहे, कॉफी पियेंगे ना सब ताकत आएगा आपको, पी लीजिए लीजिए। मैं क्यों पीऊं? तू पी, तू ही हमेशा बोलता रहता है ना कॉफी पे चलते हैं कॉफी पे चलते हैं, तू ले पी ले। हम सब लोग कॉफी पे चलते हैं ऐसे आ रहे थे, कोई बात नहीं आपको नहीं पीना है तो हम पी लेते हैं, आप जैसा बोलिए हम। हम तो मजाक कर रहे थे, बारहवीं मैडम इतना प्यार से बना के लाई है, मैडम सर पियेंगी, पीजिए मैडम सर पीजिए। तो फाइनली ये कॉफी घूम फिर के हमारे पास आ ही गई, थैंक यू। अरे ये क्या मैडम, आपके लिए कॉफी बना कर लेकर आई हूँ, कॉफी पीजिए ना। वो कॉफी बनाइए, हाँ अपने हाथों से बनाइए, अपने हाथों से बनाइए। हाँ नहीं तो क्या बाकी के लोग अपनी कोनियों से बनाते हैं? क्या हाँ हंस क्या रहे हो, मजाक कर रही हूँ मैं यहाँ पे? देखो इकबाल बदनाम मेरा ना मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरे दिमाग के गुब्बारे उड़ाने की जरूरत मत करना, वरना 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 क्या मैडम? अरे कहाँ पूछ रहा है तू, है मानव रूपी भालू कैसा सवाल कर रहा है, क्या कर लेंगी संतु जी, मतलब क्या कर लेंगी, मतलब ही पूछ रहा है कि आप संतु जी आप क्या कीजिएगा इसका, ऐसा पूछ रहा है। उठिए संतु जी बताइए इसको क्या कीजिएगा, आप बता दीजिए संतु जी क्या कर लीजिएगा,
कैसे कुछ भी बोल रहा है, वरना नहीं तो क्या ये सब सवाल कर रहा है? नहीं गजब, मतलब रोते रोते यही कह रहे थे, यही कह रहे थे हम संतू जी कि ये जो भारवी मैडम है ना, ये खाली कॉफी नहीं बना रही हैं, हमको तो लग रहा है कि मैडम सर उल्लू भी बना रही हैं ना। मतलब देखिए ना, चापलूसी का गोल्ड मेडलिस्ट है ये भारवी नामक मीठी जहर। कैसे कैसे मैडम सर को बरगला रही है, बात तो ठीक नहीं है ना संतू जी। वैसे एक बात कहें हम, कहिए पुष्पा जी। इतनी भी बुरी नहीं है ये लड़की। बहुत ज्यादा बुरी है, बहुत ही ज्यादा, मतलब चुड़ैल है चुड़ैल। हमारा बस चले ना तो घसीटते हुए थाने से बाहर निकाल दे हम। अच्छा खासा करिश्मा मैडम की जगह मैं ले रही थी, पता नहीं कहाँ से वो इंटरनेट पे जिद्दी ऐड होता ना, जिसको भगा भी नहीं सकते, बस वैसे आ गई वो। बहुत बद्दुआ लगेगी देखना मेरी। अरे जाने दो ना संतू, तुम दोनों क्या मुंह ताक रहे हो? एक बार जाओ बिरयानी लेकर आओ और बदनाम बढ़िया सी कॉफी बनाओ। अरे रे रे रे, रुक रुक, थोड़ा ना तमीज से कॉफी बनाना है। संतू जी का मूड ना वैसे ही भड़बड़ाया हुआ है, गुस्सा उस्सा गई ना तो यहाँ से सीधा शमशान पहुँचा देंगे, और वैसे भी बहुत प्रचंड मूड है हमारी संतू जी का। कॉफी में मिली दवाई असर कर रही है। क्या हुआ मैम, आप ठीक हैं? हम ठीक है, डोंट वरी। बस ऐसे ही थोड़ा सा सर में दर्द होता है, हमें हेडक्वार्टर्स जाना है, सो आई विल सी। क्या मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ? देखो बार्बी, क्या है कि ऑफिशियली अभी तक करिश्मा सिंह जो है वो ड्यूटी पर हैं, तो हेडक्वार्टर्स जाने का काम उन्हीं का है, लेकिन हमें लगता है वैसे भी आपको जो है यहाँ थाने में रहना चाहिए, यहाँ के काम करने का तरीका सब कुछ समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, सो डू ऑल दैट एंड विश मी लक। एक तो वैसे इतना सर दुख रहा है, ऊपर से हेडक्वार्टर्स जाना है, लगता है सर दर्द से फट ही जाएगा। सर दर्द के तो बहुत से कारण होते हैं मैम, स्ट्रेस, एसिडिटी, नींद का पूरा ना होना। आप एक काम कीजिए, आप आइए यहाँ बैठिए। नहीं नहीं, अभी हम लेट हो रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए मैडम, ट्रस्ट मी मैं आपकी काउंसलर हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सब भूल जाइए। ओके, इमेजिन कीजिए खुला नीला आसमान, उड़ते परिंदे, हवा में बहता संगीत, और बस आप और आपका एक खूबसूरत सा एहसास। क्या हुआ मैडम सर? नहीं, इससे तो हमारा सर और भी ज्यादा घूम रहा है। हम ठीक है, हम लेट हो रहे हैं, हम निकलते हैं। एक बात पूछ सकते हैं मैडम सर? ऑफ कोर्स इफ यू डोंट माइंड। श्योर। एक्चुअली आपका कॉफी मग ढूंढते हुए आपके केबिन के ड्रॉअर में बहुत सारी राखियां दिखी हमें, शायद आप उन्हें कहीं और रखना या फेंकना भूल गई हैं, अगर आप कहें तो मैं। नहीं, हमने वो राखियां जानबूझकर संभाल के रखी हैं, खुद को याद दिलाने के लिए कि हमने जो मुहिम शुरू की है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, जब तक उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कैसी कसम, कौन सा मुहिम और कौन सी लड़कियां? इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। राखी के लायक नहीं है ये, राखी का मतलब होता है रक्षा, वर्दी के पीछे छिपी कायर, डरपोक, पुतिल औरत, चुप्पू जैसी किसी भी लड़की की इज्जत नहीं बचा पाई। कुछ काम अधूरे हैं अभी,
वो पूरे जब हो जाएंगे तब बता देंगे. एक और चीज बार भी, हमसे पूछे बगैर प्लीज हमारे केबिन को, हमारे ड्रॉअर को चेक मत कीजिए. ओके मैम. जय हिंद. जय हिंद. क्या बात है करिश्मा से, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं. वो तो होगा ही ना मैडम सर, बस कुछ ही दिनों का बात है, फिर नो प्रेशर. 9 से 5 का नौकरी करेंगे और फिर पति देव को सारा टाइम देंगे हम. रोमांस ही रोमांस होगा हमारी लाइफ में. रोमांस? और आप? क्यों, हम रोमांस नहीं कर सकते मैडम सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस आपको देखकर कोई कह नहीं सकता ना कि का नहीं कह सकता. कोई ये नहीं कह सकता कि आप रोमांटिक होंगे, मतलब हम जानते हैं क्योंकि हमने आपका वो साइड देखा है. वो याद है लड्डू वाले बाबा का केस जिसमें हमने आपसे कहा था वो अपने हस्बैंड को रोमांटिक लेटर लिखे? हम लिखे थे मैडम. बहुत अच्छा लिखे थे. तो हम जानते हैं कि आप रोमांटिक हो सकती हैं, लेकिन किसी और के लिए ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. रोमांस में नफाजत, नज़ाकत ये सब लगती है ना, तो वो कहाँ से लाएंगे आप? ये बात तो है कि हमारे अंदर वो नफाजत और नज़ाकत नहीं है मैडम सर. हमें ऐसा लगता है कि दिल का तीर जो है ना वो सामने वाले के दिल पे जाकर एकदम लगना चाहिए. सच्चे प्यार को ये जो फैंसी चीज़ें होती है ना मैडम सर, इसका ज़रूरत नहीं होता है. बस दिल का बात दिल तक, हमारे लिए तो यही है सच्चा प्यार. बाकी ये नफाजत और नज़ाकत तो आपको बहुत अच्छे से आता है मैडम सर, तो आप ही बताइए कि कैसा होता है, ये दिखाइए हमको. गाड़ी का ब्रेक एकदम चौकस चल रहा मैडम सर, कहाँ हो गया? नहीं नहीं, अभी तो गाड़ी ट्रक. नहीं मैडम सर, लग रहा आपने कोई सपना देख लिया. संतू? हाँ. प्रॉब्लम है? बताइए क्या प्रॉब्लम है, निकालते हैं सलूशन. हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, आज तुम दिन भर मुंह लटकाए घूम रहे हो थाने में, हुआ क्या है? मैडम से ने वो करिश्मा मैडम की जगह वो बारबी को सिलेक्ट कर लिया है और मेरी तरफ तो देखा भी नहीं. आप बताओ ना मुझ में क्या कमी है, आपकी संतू में क्या कमी है पुष्पा जी? नहीं नहीं, तुम में कुछ भी तो कमी नहीं है पुष्पा जी. कितना किया ना मैंने इस थाने के लिए, कितने खतरे झेले हैं, कितने गेटअप चेंज किए और ये सिला दिया है मेरे इस डेडिकेशन का पुष्पा जी. आप बताओ, अपना थाना, अपने लोग और अपने लोग अपनी संतु को इग्नोर कर रहे हैं. नहीं 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 संतु, तुम बेकार में दिल छोटा कर रही हो. यहाँ थाने में तुम्हारी काबिलियत पे किसी को कोई शक नहीं है. झूठ पुष्पा जी, ऐसा होता ना तो मैडम सर मुझे सिलेक्ट करती. नहीं 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 संतु, देखो हमारी तरफ देखो. देखो हम ना कांस्टेबल भर्ती हुए थे, इतने सालों में तरक्की हुई तो बस इतनी ही हुई कि कांस्टेबल से हम हेड कांस्टेबल बन गए. क्या मगर हमने बस इतना ही चाहा था? हमारा मन कभी नहीं हुआ होगा कि हम भी तरक्की करें, हम हेड कांस्टेबल से एसआई बने, एसआई से इंस्पेक्टर बने, जिंदगी में और आगे बढ़े. बहुत चाहा था मगर नहीं हो पाया. प्रयास हमने जरूर किया था, बहुत दुख हुआ था, मगर फिर एक दिन लल्ला के पप्पा ने हमें समझाया.
उन्होंने कहा कि योग्यता, प्रेम और खुशबू, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी भी छुपाई नहीं छुपती, दुनिया के सामने आ ही जाती है। इतनी उम्र होने के बावजूद हमने हमारी उम्मीद नहीं छोड़ी। अभी तक हमें उम्मीद है कि एक ना एक दिन रिटायर होने से पहले हम जरूर ऐसा कोई काम करेंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी और हम पर गर्व महसूस करेगी। तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है संतू, ऐसे बस ईमानदारी और मेहनत से काम करती रहो। ये है हमारी संतू। सॉरी पुष्पे, वो थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ नहीं नहीं, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब ये भी तो सोचो ना कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैडम सर के मन में चल रहा हो कि वो शायद करिश्मा जी को रोकने में कामयाब हो जाएंगी और उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए फिर हाल फिलहाल के लिए उन्होंने बारबी मैडम को सिलेक्ट कर लिया होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यही तो तुम्हारी दिक्कत है ना संतू, कि तुम सोचती ही नहीं हो। खैर छोड़ो छोड़ो, अब तो तुम्हारा मूड ठीक है ना, है ना? तो चलो फटाफट काम पे लग जाओ। लव यू। एक कॉफी सुबह और एक कॉफी शाम। दवाई की हैवी डोजेस कॉफी के थ्रू हसीना मलिक की बॉडी में और उनके हेलुसिनेशंस के लेवल और भी एक्सट्रीम। बहुत जल्द ये दवाइयाँ उनको पूरी तरह से पागल बना देंगी और फिर तुम देखना उसकी इस मेंटल कंडीशन को देखकर दुनिया का कौन सा कोर्ट उस पर यकीन करेगा। और फिर अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। कानून की नज़र में हसीना की बातें सिर्फ एक पागल का प्रलाप होंगी और कुछ भी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक नंबर के डम है सबके साथ, इमोशनल फोन्स। वैसे भी इन लोगों के साथ रहकर हसीना मलिक की कब्र खोद डाली मैंने और किसी को शक तो क्या, फनक तक भी नहीं लगी। मलिक, आखिर वो आदमी गया कहाँ जो हमें अश्लील वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ सारे सबूत पेन ड्राइव में देने वाला था? उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। इतना बड़ा केस सॉल्व कैसे होगा? सर, सर वो आदमी ऑलमोस्ट हमारे हाथ आने ही वाला था, लेकिन एनीवेज देखिए सर, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द वो आदमी हमें मिल जाएगा। एक बार बस वो मिल जाए ना कि हम इस केस को यूं क्लोज कर देंगे। अरे श्योर वो आदमी अभी तक सही सलामत होगा? हाँ हाँ सर, आई एम 100% श्योर सर। इनफैक्ट कल उस आदमी ने हमें फोन किया था, वो हमें कोई बहुत जरूरी क्लू देने वाला था, लेकिन हमारी उससे बात हो पाती उससे पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हसीना मलिक सर, देखिए हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो आदमी हमें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और किसी वजह से नहीं कर पा रहा है। एक बार हमारी उससे बात हो जाए ना कि हम इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर देंगे, आपसे ज्यादा जल्दी हमें है सर। मिस मलिक, दुनिया की नजर में ये केस बंद हो चुका है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपके कहने पे अनऑफिशियली मैंने इस केस को चालू रखने की अनुमति दी। जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो, इसकी फाइल को बंद करो। अगर कुछ भी 19-20 हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। जानती हो, एक बार मीडिया ने इसे सूंघ लिया तो हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, समझ रही हो आप? जी सर। सर एक और चीज है, आप जानते हैं कि करिश्मा सिंह जो है इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए इस केस के बारे में हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, इसलिए प्लीज अगर हो सके तो। हम सब जानते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बढ़िया मैडम सर, अभी तक हम थाना छोड़ के भी नहीं गए और आपने हमें अभी से आउटसाइडर बना दिया। हाँ हम मानते हैं कि हम थाना छोड़कर जा रहे हैं, पर अभी तक ये वर्दी हमारे शरीर पर है और जब तक ये है तब तक हम हैं, और जब तक हम हैं तब तक कोई भी केस सिर्फ आपका कैसे हो सकता है? एक बार हमसे पूछ लिया होता मैडम सर। पूछ लिया होता? करिश्मा सिंह, इस केस का जिक्र हमने आपसे किया था, हमने आपसे कहा था कि आप बहुत गलत वक्त पर हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो आप कुछ और मूड में ही थी, आपने सीधा इस्तीफा हमारे हाथ में थमा दिया। अब इसके आगे हम और क्या कहते?
माफ कीजिएगा मैडम सर, उस वक्त हम अपनी उलझनों में इतना उलझे हुए थे कि ना कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ सुझाई, पर अब हमें सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और अब सब समझ भी रहे हैं। हम आपके साथ इस केस में काम करना चाहते हैं मैडम सर। हम ये अफसोस का बोझ लेकर नहीं जा सकते हैं इस थाने से कि आपको हमारा जरूरत था और हम आपके काम नहीं आ पाए। जाने से पहले एक बार मैडम सर, इस वर्दी के लिए और थाने के लिए हम आपके साथ इस केस में काम करना चाहेंगे। हमें एक लास्ट मौका दे दीजिए। क्या हुआ संतोष, अभी आई और चल दी? एक्चुअली वो चीता जिम रूम में कुछ काम कर रहा था तो मैंने सोचा यहाँ के थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पर है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। अरे कहीं और क्यों, मेरा बस हो गया, मैं जा ही रही थी, मुझे कुछ काम है। श्योर? वेरी श्योर, कैरी ऑन। ये बारबी किससे फोन पर बात कर रही थी? शांत हो जे। आप यहाँ पे, हमारा दिल नहीं लग रहा था उधर। संतोष जी, क्या कर रही हैं, कैसी हैं आप? चीते कुछ तो गड़बड़ है चीते। गड़बड़ है? आज तो हम नहा के आए हैं, फिर क्या गड़बड़ है संतोष जी? चीते, ये जो बारबी मैडम है ना, उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। है ना संतोष जी, गड़बड़ संतोष जी, हम बोले थे ना पहले ही, मगर क्या गड़बड़ है संतोष जी हमको? चीते, एक तो जब मैं इस रूम में आई ना तो वो ऑलरेडी यहाँ पर थी और किसी से फोन पे बात कर रही थी कि हम बहुत जल्दी अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं, फिर बाढ़ में जाइए लोग। जैसे ही उनको पता चला कि पीछे मैं खड़ी हूँ तो भौंकला गई और फोन कट कर दिया उन्होंने। पता लगाना होगा चीते एग्जैक्टली चल क्या रहा है। संतोष जी, पता तो लगाना ही पड़ेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन वही सवाल है ना कि कैसे पता लगाएंगे हम लोग। नहीं जीते, आजकल ना लोगों की जन्म कुंडलियां उनके फोन पर होती है, किसी तरह अगर उनका फोन थोड़ी देर के लिए हमें मिल जाना तो पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। लेकिन ये बारबी मैडम जो है ना, ये बहुत स्मार्ट है, उनका फोन लेना ना थोड़ा डिफिकल्ट है। संतोष जी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। एक आदमी है संतोष जी, एक आदमी है जिसके लिए ये काम ना इसे बाएं हाथ का खेल है, मतलब चोरी चकारी गुंडागर्दी मारपीट धूल चाटना कूड़े में पड़े रहना नाले में सो के खाना खाना, ये सब उसका खानदानी शौक है, बचपन से करता आ रहा है ये सब। यानी उसे के आने का खबर देने आए थे लेकिन हम फिर भूल गए। कौन? पलट के देखिए। कहाँ थी आप? संतोष जी, मुझे दिल का दौरा पड़ा था, मतलब मैं प्यार में पड़ा था, फिर एक बार उसके घर के इर्द गिर्द मैं ऐसे चक्कर काटता रहा, फिर हमारी नजरों से नजरें मिली। कैसे? ऐसी। हाँ, फिर उसने मुझे सिग्नल दिया, मैंने उसको सिग्नल दिया, फिर हमारी डेट फिक्स हो गई, फिर हम रेस्टोरेंट खाना खाने गए, फिर वहाँ से उसके घर से सीधा बेडरूम से सीधा बेड, और मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया झूमपुर की जेल। ऐसे निकला संतोष जी, वो झूमपुर की DSP की सेकेंड वायर निकली। खोल दूंगा उस बारबी उपाध्याय का पूरा अध्याय, बिलू द स्पाय। मैंने पूछा कौन हो तुम? आपने मुझे नहीं पहचाना? जिसका फैन सारा जमाना, जिसके पीछे पड़ जाए वो ना मांगे पानी कम चाय, आई एम बिलू द स्पाय।
ये थाना मेरा घर है और ये लॉकअप मेरा विला। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर फॉरेन टूर के लिए गया था, वहाँ के जो जेल है उनका सुपरविजन करने गया था, तो अभी ये बिलोटा लौटा। इट्स प्लेजेंट सरप्राइज, ये थाना और भी खूबसूरत हो गया है। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, इस विला पे मेरा कॉपीराइट है। नहीं निकलोगे? नहीं। नहीं कहाँ, निकलो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, निकलो यहाँ से। नहीं बिल्लू, तुम आ गए, कहाँ थे तुम बिल्लू? एक्सक्यूज मी मां, कहाँ थे इतने दिन? मां फॉरेन टूर पे था। माँ, आपकी याद बहुत आती रही, सबकी याद आती रही। माँ, चीते ने मुझे बताया थाने की हालत क्या होगी। माँ, मैंने सुना है कि करिश्मा मैडम ये थाना छोड़ के जा रही है, वेरी बैड। मगर अब उनकी जगह इन मैडम ने ले ली है। वेरी गुड। पुष्पा जी। जी, क्या हो रहा है सब, और कौन है ये? ये बिल्लू है, चोर है। था माँ, था पूरा इंट्रोडक्शन देना एकदम डिटेल में, बारीक। ठीक है, ये बिल्लू है, ये पहले चोर था मगर अब बदल गया है, अच्छा इंसान बन गया है। ठीक है, हाँ, यही रहता है लॉकअप में। हाँ, हमारे बिल्कुल बच्चे जैसा ही है। थाने के केसेस सुलझाने में पूरी मदद करता है थाने की, इसके बिना तो पूरा थाना अधूरा है। कहाँ थे बेटा तुम इतने दिन? कहाँ थे? हम सबने कितना याद किया तुम्हें। वो माँ हरी चटनी की वजह से सब घोटाला हो गया। हरी चटनी? हरी चटनी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बताया मैं फॉरेन टूर पे गया था, तो मौका मिला तो मैं जंगल टूर के लिए निकला। एक हाथ में जंगल का नक्शा था और एक हाथ में समोसा था। तो देश में समोसा? ठीक है, समोसा था। तो नक्शा और समोसा खाते खाते हम रास्ता ढूंढ रहे थे 10 दिन तक रास्ता ढूंढते रहे, लेकिन रास्ता नहीं मिला, हम अटक गए। वो तो समझ गए, मगर इस सब में हरी चटनी कहाँ से आ गई बीच में? हरी चटनी वो नक्शे पे गिर गई ना, तो पता ही नहीं चल रहा था जंगल कहाँ तक है, चटनी कहाँ तक है, रास्ता ही नहीं मिल रहा था, उसके वजह से वापस हम अटक गए। हाँ ठीक है बिल्लू, अभी हमारे पास बहुत काम है, बाद में बातें करते, ठीक है? हाँ, बाद में, अब निकलिए। एक्सक्यूज मी, अभी तो आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरा इम्पोर्टेंस कितना है। ये थाना बिना हवा के चल सकता है, लेकिन बिना बिल्लू के कदापि नहीं। I'm pleasant surprise and मुझे खुशी हो रही कि आप करिश्मा मैडम की जगह ले रही है। I hate करिश्मा मैडम attitude। वो बात पर हर किसी की हड्डियां तोड़ती है, जब जब देखो बात पर भौंका, लवाल, थप्पड़, चाटे। कोई तो आ जाए जो मोहब्बत बांटे। व्हाट टाइमिंग? ले, कौन से साइड से वेलकम बैक करे तुम्हारा, लेफ्ट से या राइट से? वेलकमिंग हो गया है मेरा, संतोष जी ने किया। अच्छा, बाद में क्या बात कर रहे हो? प्यार। संतोष शर्मा। बिल्लू, तुम कब आए? खैर, जब भी आए हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है मैडम। सर, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूँ, बताइए क्या करना है। हाँ, वो सब बताएंगे, पहले संतोष शर्मा से कहिए एक स्केच आर्टिस्ट बुलाए। ओके। और हाँ, अगली बार जाने से पहले बता कर जाना। वो फॉरेन टूर। देखा, हवा के बिना ये थाना चल सकता है, लेकिन बिल्लू तो स्पाई के बिना बिल्कुल नहीं। संतोष जी,
हाँ हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे करो ना क्लीन। हाँ 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 अरे का चल रहा है? का चल रहा है? टाइम पास। मैडम रुई रखे हो? रुई है ना, निकालो बाबू, लाओ लाओ जरा लाओ। निकालो निकालो भैया, निकाल ये लो, इसको दो इसको दो इसको। हाँ ले ले, हम लोग भी इसको 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 क्या करें क्या करें क्या करें, इसको गोल करके ना फट से अपने कान में डाल लो। क्या है? कहे रे कहे चुपचाप डाल लो बाबू, नहीं तो तुम दोनों का जो ठीहा है ना बिरयानी का और चाय का, मैडम सर से बोल के ना इसे बंद करवा देंगे, अब खुलवा देंगे अगरबत्ती का दुकान, फिर दिखाते रहना इसे इसे 24 घंटा। ला लो। चलो तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है ना? क्या बोल क्या आप बोल रहे हो? अरे जोर से बोलो यार। नहीं सुनाई दे रहा, चलिए ये लोग अब चाय का पैसा नहीं देंगे। उधार वाला बात था, कैसे सुन लिया? संतु जी सॉरी, संतु जी नहीं नहीं कर ले ना बहुत। नहीं नहीं संतोष जी, अगर बारबी मैडम को पता चल गया ना कि उनका फोन उनके पास नहीं है तो बवाल हो जाएगा। हाँ। इस चक्कर में बिल्लू भी थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड हो गया है, जल्दी करो ना। कर रही हूँ पुष्पा जी, बस थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज। अच्छा वो स्केच आर्टिस्ट के साथ बात हुई ना तुम्हारी? हाँ। आ रहा है ना वो? हाँ हो गई बात, आ रहा है, हो गया कनेक्ट, हो गया हो गया। नहीं नहीं नहीं, बाल जो है वो ऐसे नहीं थे, वो जो एकदम सीधे जेल करके जो प्रॉपर सेट किए हुए थे ना वैसे बाल थे। हाँ और थोड़े लंबे भी थे, करेक्ट। मैडम सर आपको अच्छे से इस आदमी का चेहरा याद है ना? करिश्मा सिंह यही एक अदद शख्स है जिसका चेहरा हम नहीं भूल सकते। हमें इस बात का इतना ज़्यादा अफसोस है कि आदमी हमारे हाथ से निकल गया। हमें अच्छे से याद है, हम सड़क के इस पार खड़े थे, वो सड़क के उस पार खड़ा था, वो सबूतों से भरा पेन ड्राइव देने के लिए हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन लेकिन अचानक से बीच में एक ट्रक आया और वो आदमी गायब हो गया। उसके बाद वो कहीं मिला ही नहीं, कहीं दिखा ही नहीं, और अगर ये आदमी हमारे हाथ लग जाता ना तो वो जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी इज्जत इस तरह से इंटरनेट पर बेची गई है वो नहीं होता। ये पूरा का पूरा गैंग सलाखों के पीछे होता और इस रैकेट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना उन सबको हम जहन्नुम में से भी ढूंढ कर निकाल लाते। मैडम सर एनीवेज हाँ उसका नाक और सीधा और शार्प, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके जो कान थे वो मैडम सर ओह नो, अब तो इस कमल तक पहुंचना इन लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। इससे पहले कि हसीना मलिक इस तक पहुंचे मुझे किसी भी हालत में इसे पकड़ना पड़ेगा और पेन ड्राइव अपने कब्जे में करनी होगी। ये है वो आदमी, करते हैं हम अपने मुखबिरों का नेटवर्क एक्टिव और इस चूहे को इसके पिल से निकालते हैं, इसकी मैया का सासू मैया। करिश्मा सिंह जी हमें आदमी सही सलामत चाहिए। जी मैडम सर, सही सलामत आपके पास आएगा। धन्यवाद। जय हिंद मैडम सर। प्रणाम सर, गुड इवनिंग सर। अभी नहीं, ठीक है सर, हम नहीं कुछ नहीं, वो हम आते हैं हम आ रहे हैं, ठीक है हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में।
पता भी नहीं चला उनको, शक वक भी नहीं हुआ। हम शख्सियत ही ऐसी है कि हम पर कोई शक ही नहीं कर सकता। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है तुम्हारा? हाँ हाँ सुन, हम तो बहुत बिजी है, हमें बहुत फोन आते हैं। हेलो, इधर से बोल रहा है बिल्लू द स्पाई, उधर से कौन बोल रहा है? एक तो तुम फोन नहीं उठाते, हम फोन पे फोन करते रहते हैं तुमको। ऊपर से नंबर देखकर उठाओगे ना तो फालतू का सवाल नहीं करोगे तुम। करिश्मा मैडम तो करिश्मा मैडम बोलिए, बिल्लू द स्पाई हियर। सुनो, हम तुमको एक स्केच भेज रहे हैं, बहुत जरूरी काम है बिल्ले, फटाफट अपना खुफिया नेटवर्क एक्टिव करो तुम और पता लगाओ इस आदमी के बारे में। हमने अपना भी नेटवर्क एक्टिव कर दिया इसी आदमी के खोज में। जमीन खोद दो, आसमान खंगाल दो, हमको नहीं फर्क पड़ता है, हमको ये बंदा सही सलामत चाहिए, समझ गए? ओके, मिल जाएगा। हाँ चलो ठीक है। काम आ गया, काम आ गया, हम चले अपने काम के लिए। तुम तो ऐसे ही निठल्ले रहोगे। बाप मारे अंधेरे में बेटा पावर हाउस। सर, हम जान सकते हैं आपने अचानक से हमें गायब बुला लिया? हमने आपसे कहा था ना, वो सर्विस छोड़ने से पहले कुछ प्रोटोकॉल है जो हमको पूरे करने, उसमें एक हफ्ता है सर अभी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है करिश्मा सिंह कि आपने क्या कहा था। एक्चुअली हमारे ऑफिस में यहाँ अचानक कुछ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा। एक्चुअली बात यह है कि हमारे यहाँ अचानक दो फीमेल एम्प्लॉयज की पोस्ट खाली हो गई है। एक प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही है, और दूसरी को मैंने जॉब से निकाल दिया। तो अब हमें यहां पर कोई चाहिए जो उनकी जगह पर काम कर सके, एटलीस्ट तब तक जब तक कोई और उनकी जगह पर आकर काम नहीं करता है। तो तब तक ये रहा आपका डेस्क और आपकी चेयर, आप उनकी जगह पर हमारी कंपनी में काम करेंगे। सर, हम 7 दिन बाद। 7 दिन? मिसेस करिश्मा सिंह, 7 दिनों में दुनिया बनाने वाले ने पूरी दुनिया बना डाली थी। 7 दिनों में मेरे डैड ने इस कंपनी को शहर की टॉप कंपनीज की लिस्ट में ला खड़ा किया था। 7 दिनों में लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं, बड़े बड़े बिजनेस की ज्योग्राफी बदल जाती है। इसलिए मैं अवतार कपूर वक्त को कभी ग्रांटेड नहीं लेता। सर, हम फिलहाल के लिए रोज सिर्फ 2 घंटे, उसके बाद जब आप चाहें तब आप ज्वाइन कर सकती हैं, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सो वेलकम टू आवर कंपनी मिसेस करिश्मा सिंह। ये आपका आईडी कार्ड है, ये बहुत कंपलसरी है, देखिए मैं भी पहनता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस सिर्फ संडे इसको नहीं पहनता। ये आपकी रोज अटेंडेंस काउंट करेगा और उन लोगों की लिस्ट आपकी सिस्टम पर ऑलरेडी है जिन्हें आपको कॉल्स करने हैं। सो गुड लक गाइस, मीट आवर न्यू एम्प्लॉय मिसेज करिश्मा सिंह। उषा, गुड लक एवरीवन। शुभकामनाएं आपके साथ है, स्वीकार कीजिए और चलिए काम पर लग जाइए। जी, ये तो सर मुंडवाती ओले पड़ने वाला बात हो गया, लेकिन करिश्मा अगर नौकरी बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा। मैडम सर के केस के साथ साथ ये मैनेज करना सीखना ही होगा अब हमें। हमारी जब आखिरी बार इस कमल से फोन पर बात हुई थी तब बैकग्राउंड नॉइस में ना हमें एक सायरन की आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे किसी फैक्ट्री में या किसी मिल में जिस तरह का सायरन बजता है उस तरह की आवाज़, और फोन कॉल हमें आया था 8 बजे। एक बात बताओ संतोष, ये जो फैक्ट्रीज का काम करने का नॉर्मल टाइम होता है वो क्या होता है? 9 से 5 ही स्टैंडर्ड टाइम होता है। इसका मतलब बहुत ही कम फैक्ट्रीज होंगी जो या तो 8 बजे उनकी शिफ्ट होगी या फिर वो 8 बजे तक काम करते होंगे, करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, एक काम करो, लखनऊ में ऐसी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो 8 बजे के आसपास काम करती हों, उनका शिफ्ट टाइम हो, उस सबकी एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि ये फैक्ट्रीज नंबर में बहुत कम होनी चाहिए। हाँ जी मैम। यस ओके, जल्दी जी, जल्द से जल्द। मैडम सर, और सेशन स्टार्ट करें।
सेशन के लिए फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं, हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। एक मिनट मैडम सर, आप बहुत ही रेस्टलेस लग रही हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आपको अपनी हेल्थ को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक सेशन कर लेते हैं, आपको बेटर फील होगा, ट्रस्ट मी। ऐसा ही बार भी उपाध्याय, सबसे पहले काम। ये हसीना मलिक इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है? लगता है केस से जुड़ी कोई खास इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। अगर कमल इनके हाथ लग गया तो अश्लील वीडियो का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। खबर नरम है। स्केच वाला आदमी मिल गए हैं। गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल में अक्सर आता जाता रहता है। संतोष शर्मा, पता लगा वो फैक्ट्री वाला सायरन कहाँ बजता है? नहीं मैडम सर, अभी तक लोकेशन ट्रेस नहीं हुए, लेकिन हाँ है उसी एरिया में जहाँ पे अभी आप हैं। अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करते रहो और जैसे ही पता चले तुरंत हमें बताओ। जी मैडम सर। और सुनो एक और चीज, लोकेशन मिलते ही उसके आसपास जितने भी थाने हैं उन सबसे लिंक कर देना, हो सकता है हमें बैकअप की जरूरत पड़े। क्लियर? जी 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 मैडम सर। ओके। करिश्मा मैडम को फोन करना पड़ेगा। मैडम फोन उठाइए, फोन उठाइए। जब देखो हाथ उठाती है फोन नहीं उठाती। इसके हाथ में ना फोन चिपकाना चाहिए। क्या हुआ मिसेस करिश्मा सिंह, आपने अभी तक शुरू नहीं किया? चलिए जल्दी से शुरू कीजिए, मुहूर्त निकालूं क्या? जी सर, बस शुरू ही कर रहे हैं। मिसेस करिश्मा सिंह जी, वर्क रूल्स, जब काम पे हो तो सिर्फ काम, नो फोन नो टाइम पास। चलिए अब जल्दी से फोन लगाइए और आवाज में शहद घोलिए, ठीक है? हेलो, गुड आफ्टरनून, मैं गुनगुन बात कर रही हूँ एयरटेल कंपनी से। आप कौन से कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं सर? अच्छा सर, आप वो जो भी सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप उठा के फेंक देंगे अगर आप हमारी कंपनी का ऑफर सुनेंगे तो। सर सर एक बार ऑफर तो सुन लीजिए सर। हमारा ले लीजिए ना, एक सिम ही तो है, खजाना थोड़ा लूट जाएगा आप। सॉरी सर। भी ये सिम कार्ड लेगी अगर हमारी कंपनी का ऑफर सुनेंगी तो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनिए, एक मिनट, इस आदमी को कहीं देखा? नहीं मैडम, नहीं देखा। ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, शुक्रिया। Thank you.
कहाँ बिल्लू का हो? मैडम सर, बिल्लू द स्पायर रिपोर्टिंग। उस स्केच वाला आदमी, उसका पता चल गया है। वो गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल में अक्सर आता जाता रहता है। अच्छा, गुड जॉब। खबर पक्की है ना? खबर पक्की? अविश्वास। बिल्लू द स्पाय का ये खबर नेटवर्क है, कभी फेल नहीं जाएगा। मतलब मैं आपको नहीं, करिश्मा मैडम को फोन कर रहा था, लेकिन वो उठाई नहीं रही थी, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी। सॉरी है मैडम सर। अच्छा ठीक है, करिश्मा सिंह को ट्राई करते रहो, जितनी जल्दी हो सके उन्हें इस बारे में बताओ। और तुम पहुँचो शाम इंडस्ट्रियल एरिया, हम वहीं आ रहे हैं। ओके, आप पलक झपकाओ, मैं पहुँच जाता हूँ। गाड़िया रिस्पेक्ट ही नहीं मेरे स्पीड का। हाँ संतोष बोलो। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर लोकेशन मिल गई है, गोमती नगर शाम इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। जी मैडम सर। हो गया, लिस्ट पूरा हो गया, भागो यहाँ से, भागो। मैडम स्केच वाला बंदा मिल गया है, गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल स्टेट पे पहुंची है, वो बंदा वहीं पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया बिल्ले है। चलो चलो। कहाँ कहाँ जा रही हैं आप? सर 2 घंटा हो गया तो हम निकल रहे थे, काम हो गया। अभी 10 मिनट और बचे हैं मिसेस करिश्मा सिंह, आप उसमें 2-4 कॉल्स और कर सकती हैं। चलिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज टेक योर सीट एंड ऑलवेज रिमेंबर एवरी सेकेंड इज मनी। ओके, चलिए कंटिन्यू योर वर्क। जी। एक्सक्यूज मी, हेलो, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? कई लोग आते जाते हैं मैडम, शक्लें थोड़ी ना याद रहती हैं। एक बार प्लीज ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हे हनुमान जी, हे संकट मोचक, आपसे क्या छुपाए प्रभु? आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सर्वव्यापी है प्रभु। मैंने जितने भी पाप किए हैं उसका कोई भी दंड प्रभु बहुत कम है। मैंने ऐसे लोगों का साथ दिया है जो मासूम लड़कियों का शोषण करते हैं। एक दिन मुझे मेरी अंतरात्मा ने चेताया प्रभु, उस दिन मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने S.H.O हसीना मलिक को वो सारे सबूत देने की कोशिश की जिससे उन पापियों का नाश हो सके प्रभु, पर प्रभु मैं कर नहीं सका। जान के डर के आगे मैं कमजोर पड़ गया प्रभु, नहीं दे पाया वो सबूत, मेरी वजह से हसीना मलिक हार गई प्रभु। अब ये सारे सबूत आपकी सुरक्षा की छत्रछाया में रख के जा रहा हूँ प्रभु। तुमको एक स्केच भेज रहे हैं, बहुत जरूरी काम है बिल्ले, फटाफट अपना खुफिया नेटवर्क एक्टिव करो तुम और पता लगाओ इस आदमी के बारे में। कमल मिल गया। हसीना मैडम को बताना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ बिल्लू, कहाँ हूँ? मैडम सर कमल खिल गया, कमल मिल गया है। काला नंबर 49 के सामने हूँ, वहाँ एक सामने पेड़ है पीपल का, उसके नीचे वो हनुमान जी का मंदिर है, वही के सामने कमल है। हाँ ठीक है, तुम कमल को किसी तरह रोक कर रखो, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं रोकता हूँ। वादियाँ मेरा दामन। अरे इतने से पकौड़े वेज है ना? नहीं, हमारे तो नॉनवेज की दुकान है ना। अरे पकौड़े वेज है ना? हाँ ये वेज है, किसी और से लेके आया हूँ। शाम इंडस्ट्रियल एरिया, गोडाउन नंबर 49, सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है। जल्दी करो, तुम्हें हसीना मलिक से पहले पहुँचना है। और ध्यान रखना, जब तक हमें पेन ड्राइव नहीं मिल जाती, कमल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके या। नहीं नहीं, यहाँ सब ठीक है, तुम यहाँ की टेंशन मत लो। यहाँ कुछ ओवर स्मार्ट लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि वो हमारा फ़ोन टैप कर रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो किसका फ़ोन टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ। संतु जी। क्या हुआ? वो तो ये तक भी नहीं जानते जिस फ़ोन को टैप करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो अभी भी हमारी पॉकेट में है।
उन लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है कि जिस दिन से मैं यहाँ थाने में आई हूँ, थाने में सबका फोन टैप कर रही हूँ। पुष्पा जी, आखिरी मिशन नहीं है, खर्च मत होइए। खैर, तुम ये सब कुछ छोड़ो और जल्दी गोडाउन पहुँचो, ऐसा ना हो कि हसीना मलिक तुमसे पहले पहुँच जाए। ओके संतु जी, कुछ पता चला का? चीती, पता तो तब चलेगा ना जब उनका वो जो फोन है वो अपने डिवाइस से कनेक्ट होगा। ये कनेक्ट ही नहीं होगा। बारबी के पास दूसरा फोन भी तो हो सकता है और हम शायद एक ही नंबर पे ट्रैक। दूसरा फोन हो तो सकता है, लेकिन जब से आई तब से हमने देखा ही कहाँ है दूसरा फोन। उसके पास दूसरा फोन नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके पास फोन ही नहीं है। अरे, बहुत शातिर दिमाग वाली लड़की है ये। हाँ, इतनी जल्दी बेवकूफ बनने वाले में से नहीं है। पक्का दो फोन का ही चक्कर है। शांतु जी, एम्बुलेंस। सर, ऑफर पूरा सुन लीजिए, 3 महीने तक आपको टॉक टाइम फ्री मिलेगा। नहीं नहीं सर, कोई हम जाल नहीं बिछा रहे हैं यहाँ पे, ये आप ही की सुविधा के लिए है सर, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे हैं। क्यों दे रही मन्ने सुविधा? फुफी लागे है क्या हमारी? फोन रख। हो गया मैडम, गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंची, स्केच वाला बंदा वहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ जा रही हैं सर? वो जितने भी नंबर थे ना लिस्ट में, सब निपट मतलब कर दिए, फोन कर दिया सबको। हाँ, लेकिन मैंने नहीं सुना ना। मतलब सर? मतलब ये कि मिसेस करिश्मा सिंह जी, मेरे डैड हमेशा कहा करते थे, समझदार शिकारी शिकार से ज्यादा हथियार की धार पर ध्यान देता है। जितनी तेज धार उतनी ही ज्यादा शिकार। क्या हुआ, नहीं समझी? नहीं समझेंगे ना सर, कल आते हैं फिर इसको समझते हैं हम। नहीं नहीं, नो नो, तुम्हें जानना चाहिए, मैं तुम्हें समझाता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जरूरी ये नहीं है कि तुमने हमारे कस्टमर्स को फोन पर क्या ऑफर दिया है, जरूरी ये है कि तुमने हमारे कस्टमर्स को फोन पर कैसे ऑफर दिया है। मिसेस करिश्मा सिंह जी, बिजनेस कैसे से चलता है, क्या से नहीं। तो अब मैं तुमने अभी तक जितनी भी कॉल्स की हैं उन सब की रिकॉर्डिंग सुनूंगा। कहाँ? यस, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे कैसे में क्या कमी रह गई थी। प्लीज वेट। गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। But I don't mind, it's normal, होता है। तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हमारे कस्टमर्स की गालियों को पॉजिटिवली कैसे लिया जा सकता है। चलो, अब अपनी आंखें बंद करो। अब लंबी सांस लो और अब उसको छोड़ दो। वेरी गुड, यू आर अ गुड लर्नर। यकीन नहीं आता तुम्हें? अरे मेरे यकीन करो भाई, कल रात साक्षात हनुमान जी संकट मोचन बजरंगबली की जय, वो मेरे सपने में आए, उन्होंने अपनी सारी शक्ति मुझे इस तुच्छ मानव को प्रदान की है। भाई मैं सच कर रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। ओ माय गॉड, ये देखो क्या कोइंसिडेंस है, हनुमान जी की बात करते करते मैं खुद हनुमान जी के सामने आ गया साक्षात। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हनुमान जी पवन पुत्र संकट मोचन बजरंग बली की जय। बजरंग बली, यह आपने क्या कर दिया, इस तुच्छ मानव को अद्भुत मानव बना दिया, आपकी सारी शक्ति मुझे प्रदान कर दी। क्यों, क्या इस जग का सब पाप पापी सबको नष्ट करने के लिए, जुल्मों का नाश करने के लिए? लेकिन हनुमान जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये तुच्छ मानव कैसे संभाल पाएगा? नहीं नहीं हनुमान जी, आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा है तो मैं जरूर ये कर दूंगा। ये आपने मुझे अपार शक्ति दी है, इस अपार शक्ति का मैं आपको प्रमाण कैसे दूं, कैसे दूं? हाँ, ये देखो नमूना दिखाता हूँ सैंपल के तौर पर, पूरी ईंट आपके सामने रखी है। आपने मुझे जो अपार शक्ति दी है उस शक्ति से मैं ईंट उंगली से तोड़ दूंगा। ये देखो, जय हो अपार शक्ति।
ये क्या अपार शक्ति के साथ दिव्य दृष्टि भी प्रदान कर दी? हनुमान जी के पीछे के पेड़ के पीछे कौन छुपा है जिसका नाम क से शुरू होता है? क, ब के सामने आओ, बिल्लू के सामने आओ। तुम्हारा नाम क से शुरू होता है? आपको कैसे पता? मैंने कहा ना, अपार शक्ति हनुमान जी ने मुझे प्रदान की है। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं, जान के लाले पड़े हैं तुम्हारे। हाँ। मैं तुम्हारा सुरक्षा कवच हूँ, आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, समझे? ये कौन है? नका बोले गुंडे गुंडे। अरे जाइए महाराज, अपनी अतुलित शक्ति दिखाइए, चुटकियों में सारे गुंडों को मसल दीजिए, जाइए। एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। एरिया में है, अभी अभी हमारी आंखों के सामने से एक व्हाइट कलर की वैन गई है, उसमें कुछ किडनैपर्स हैं। किडनैपर्स के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट केस का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट विटनेस भी है। ऑल यूनिट्स अलर्ट, प्लीज उन्हें पकड़िए, वो गोमती पुल की तरफ जा रहे हैं। जल्दी 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 चलो 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 चलो, उठो उठो उठो, जल्दी उठो, कुछ नहीं हुआ, चलो चलो उठो, जल्दी करो बिल्लू। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि ये केस हमारे लिए कितना जरूरी है। वो लड़कियाँ, वो मासूम भोली भाली लड़कियाँ जिनकी अश्लील फोटोज और वीडियोस बनाकर ये गैंग बेचता है, उसे पकड़ना कितना जरूरी है। हजारों लाखों लड़कियों की जिंदगी, उनकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, हम उन्हें बचा सकते हैं, आप ये सब अच्छे से जानती हैं। उसके बाद भी आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? माफ कीजिएगा मैडम सर, पर हम भी चाहते हैं कि ये रैकेट जल्द से जल्द पकड़ में आए। इनके चंगुल में फंसी वो मासूम लड़कियां, उनके साथ इंसाफ हो, हम भी ऐसा ही चाहते हैं मैडम सर। अच्छा, ऐसे करेंगी आप इंसाफ? अपना फोन ना उठाकर, हमने और बिल्लू ने आपको न जाने कितनी बार फोन करने की कोशिश की, आपने फोन नहीं उठाया और उसके बाद फोन ऑफ कर दिया, ऐसे उठाएंगी आप जिम्मेदारी? माफ कीजिए मैडम सर, पर नए जॉब पर ना कुछ समय के लिए हमें कुछ समय, आप जानती है करिश्मा सिंह, आपके इस कुछ समय के चक्कर में क्या हो गया? वो आदमी, वो कमल जिसके पास उस पूरे गैंग के खिलाफ सबूत थे, वो हमारे हाथ से फिर निकल गया। बिल्लू, कितनी बार फोन किया करिश्मा सिंह को? 13.5 बार, लास्ट कॉल आधे में काट दिया। 13 बार आपको फोन किया गया करिश्मा सिंह, आपने एक बार फोन नहीं उठाया, उसके बाद कॉल बैक भी नहीं किया। अरे कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि अगर कोई इतनी बार फोन कर रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट ना हो तो इमरजेंसी हो सकती है, कुछ अर्जेंट हो सकता है, कोई मर सकता है, कुछ हो सकता है। कम से कम एक बार ये तो पता लगा लिया होता कि आखिर मामला क्या है। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते इतना करना चाहिए कि नहीं? और सबसे बड़ी बात कि हमारी आंखों के सामने उन्हीं के गैंग मेंबर के इंसान उसे उठाकर ले गए, ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। हो ना हो, ये बात लीक हुई है, ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है क्योंकि आपके और हमारे और बिल्लू के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि कमल वहां है और हम उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं।
तो फिर उसके गैंग मेंबर्स उसे उठाकर कैसे ले गए? मैडम सर, आप हम पर शक कर रही हैं? हम मैडम सर, आप जानती हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन करिश्मा सिंह अपनी वर्दी के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकती। हम भी ऐसे ही सोचते थे करिश्मा सिंह, लेकिन क्या है ना, जब से आपने अपनी ड्यूटी को साइडलाइन करके अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है, हमें सोचना पड़ रहा है। मैडम सर, आप हम पर शक कर रही हैं? मैडम सर, आप जानती हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन करिश्मा सिंह अपनी वर्दी के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकती। हम भी ऐसे ही सोचते थे करिश्मा सिंह, लेकिन क्या है ना, जब से आपने अपनी ड्यूटी को साइडलाइन करके अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है, हमें सोचना पड़ रहा है। आप तो फिलहाल ना ईमानदार और सिंसियर पुलिस ऑफिसर होने की बात हमारे सामने कीजिए ही मत, क्योंकि अगर आप जरा सी भी सिंसियर होती तो कमल हमारी हिरासत में होता। ओके, ठीक है। लॉजिकली हम और बिल्लू साथ में थे, सिर्फ आप थी जो बाहर थी। हो सकता है आपसे इंफॉर्मेशन लीक हो गई हो, गलती से आप किसी और से बात कर रही हो, किसी ने वो बात सुन ली हो। आई थिंक आप दोनों को आराम से बैठकर इस बारे में बातें करनी चाहिए। ठंडे दिमाग से चीजों को एनालाइज करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा निकाल पाएंगे आप दोनों। वाह। मैडम सर, आप आजकल कुछ हमें ज्यादा ही तनाव में लग रही है, आप इतना टेंशन काहे ले रही हैं? हम है ना, हम लाएंगे उस कमल को पकड़कर। चंगुल से निकला मैडम सर, शिकंजे से नहीं। आप इतना टेंशन मत लीजिए। संतोष शर्मा जी, मैडम सर, जिस वैन में कमल किडनैप हुआ था उस वैन के बारे में हमने डिटेल्स निकालने को कहा था, क्या हुआ उसका? अब जी मैडम सर, वैन लावारिस हालत में सिद्धार्थ हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। मुझे ऐसा लगता है वहां से उन्होंने गाड़ी चेंज की और आगे निकल गए पुलिस को चकमा देने के लिए। अगर मैं होती ना मैडम सर, एक इंच वहां से उनको हिलने नहीं देती, और वो हाल करती ना कि मुंह जब भी खोलते मुंह से एक ही बात निकलती, दरोगा जी देखे। मासूमियत। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। अब नहीं पियेंगे? तो बताइए समस्या क्या है? एक समस्या हो गुरुजी तो बताऊ ना, मेरे क्वार्टर का नल और किस्मत लगातार खराब ही चल रहे हैं। मेरी जो पिंपल्स है वो जा नहीं रहे, और सैलरी जो है वो आ नहीं रही, और बदनाम जो है वो घटिया चाय पिला पिला कर मेरा दिमाग खराब कर देता है। बिल सर पर खड़े हैं और पापा शादी के पीछे पड़े हैं। शांतु जी फिर कर लीजिए ना, उम्र तो हो ही गया है शादी का। बाद में नहीं नहीं पुष्पा जी, सही में उम्र हो गया है शादी का, इसलिए ये सब हम बाद में बात करें। पहले जिस बात के लिए पंडित जी को बुलाया है वो तो कहे ना उनसे। दरअसल बात ये है ना पंडित जी, कि हमारी ये जो दो मैडम है ना, हसीना मैडम और करिश्मा मैडम, करियों, इन दोनों की आपस में बिल्कुल बनती ही नहीं। किसी ना किसी बात पे ना हमेशा खिटपिट खिटपिट लगी रहती है। एक तीर घाट है तो एक मीर घाट है, दोनों एक दूसरे से एकदम विपरीत। आप देखिए ना, आप इसमें कुंडली देखिए दोनों की और बताइए कि दिक्कत क्या है। लेट मी सी। क्या हुआ पंडित जी? संतोष गुरुजी मैं। अरे तुम नहीं, संतोष की कमी है दोनों ग्रहों में, अशांति का वास है इनकी परस्पर चलने वाली ग्रहों में। करिश्मा सिंह जी की राशि है मंगल, मंगल यानी तीव्र गति से कार्य करने वाला स्वभाव, जबकि हसीना मलिक जी की राशि है शनि, शनि मतलब न्याय का देवता, धीमा कार्य करता है, परंतु जो भी कार्य करता है न्यायपूर्ण करता है। जब भी दोनों साथ होते हैं तो विपरीत स्वभाव होने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं, बट दोनों एक दूसरे का सम्मान भरपूर करते हैं। ये बात तो है। हाँ,
सल्यूशन, सल्यूशन क्या? कोई सल्यूशन नहीं है तुम्हारा। गुरुजी मेरे मेरे क्वार्टर का नल, नल। प्लंबर से शादी कर लो। बाबा इससे आपका प्लंबर। शांत रहो, बात नहीं। बाबा को लेट पड़ा। बाबा बाबा ये सब बात नहीं। हाँ, इस पे जो कुछ भी उपाय है ना, आप किसी की तरफ मत देखिए, आप हमें बताइए। हाँ तो उपाय ये है कि जब भी दोनों आपस में झगड़ झगड़ रही हो तो गंगा जल में फेंक दे, छिड़क दो उनके ऊपर, ताकि दोनों ग्रह थोड़े समय के लिए शांत हो जाएं। बाकी दोनों ग्रहों का क्या बोलते हैं उसको, अब चपड़ दोस्ताना कहते हैं। नियंत्रण, दोनों ग्रहों का नियंत्रण संकट मोचन महाबली श्री हनुमान जी के हाथ में ही है। इसीलिए आप सब लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, वो सबके कष्ट को दूर करेंगे, हरेंगे, सारी समस्याओं का जो जड़ है वो सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ओके सो आई एम लीविंग। ओके देखिए देखिए देखिए, बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी, आपने जो कहा है ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। थोड़ी सी दक्षिणा ले लीजिए। आपसे दक्षिणा कैसे ले सकते हैं माते? दीदी दीदी आप तो पुलिस वाले हैं ना? अब चपड़गंज ले ले, बहुत नसीब वालों को मिलते हैं पैसे। सही बोल रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या आम आदमी और क्या पुलिस वाले, देखिए ग्रहों से पंगा कोई ले सकता है भला? नहीं ना। इसलिए आप ये दक्षिणा रख लीजिए और हम पर और हमारी थाने पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अच्छा डाल दो डाल दो। So guys, now I am leaving. Baba, हमारा चाय के पैसे दो। गंगा जल। मैडम एक बात पूछूं? अब मुंह खोला है बिल्ले तुमने अपना, तो पूछो। मेरा मतलब यह है कि मैडम सर ने आप पर एकदम इल्जाम लगा दिया, डायरेक्टली बोल दिया कि आपने इंफॉर्मेशन लीक कर दी, तो आपको गुस्सा नहीं आया क्यों? मैं क्योंकि उनका दिमाग हिल गया है, तुम समझ रहे हो हमारी बात को? यह अश्लील केस आया ना, अश्लील रैकेट वाला केस, इन्होंने उनका दिमागी मानसिक संतुलन बिगाड़ के रख दिया है। कुछ भी सोच रही हैं, कुछ भी कह रही हैं, कुछ भी देख रही हैं, ऐसे होता है क्या? और तुमने कहा गुस्सा क्यों नहीं आया हमको? हाँ हाँ गुस्सा तो हमें तुम पर होना चाहिए बिल्ले। मुझ पर क्यों? 13:30 कॉल, लास्ट कॉल आधे में कट गया, बहुत चिरमिरा रही थी तुम मैडम सर के सामने। मैडम ये 13:30 कॉल में से एक हद कॉल कम कर दो, लेकिन मैंने कॉल किए, आप मुझे छोड़ दो, आपको पुष्पा जी की नहीं, आपको अपने नए जॉब की कसम, छोड़ दो। वही तो नए जॉब। हेलो सर। जी सर। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू, ऑल गुड? नो नो मिसेस करिश्मा सिंह जी, ऑल इज नॉट गुड, कुछ भी ठीक नहीं है। का है सर, का हुआ? दो एम्प्लॉय पोस्ट छोड़ के जा चुकी हैं, दो पोस्ट और खाली हो चुकी हैं, इसका मतलब दो लोगों का काम और ज्यादा बढ़ चुका है। तो सर, तो इसका मतलब ये है मिसेस करिश्मा सिंह जी कि अब आपको 2 घंटे की जगह 4 घंटे देने होंगे हमारी कंपनी को। का? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। देखो मिसेस करिश्मा सिंह जी, मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हें ये जॉब चाहिए ना, तो फिर इतना कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा हमारी कंपनी के लिए। नहीं सर, आप बहुत समझ रहे हैं सर, हम नहीं कर सकते जॉब, हमसे नहीं हो सकता ना, समझ रहे हैं सर आप हमारी बात को, हम नहीं दे सकते टाइम। आई नो वही तुम्हारा वो गाली खाने वाला इशू, राइट? देखो एक बार गालियां खाने की आदत पड़ गई ना तो सब कुछ आसान लगता है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, और मेरे डैड भी यही कहते हैं कि एवरेज इंटर्न को 8 से 10 दिन लगते हैं इन गालियों की आदत पड़ने में। तो बस एक बार ये गालियां खाने की आदत पड़ गई तो सब आसान लगने लगता है। यही गालियां तुम्हें फूल जैसी लगने लगेंगी। सर पर आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं ना सर, आप नहीं समझ रहे हैं कि हम टाइम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। सर आप हमारी बात को समझो, सर आप हमारी बात को समझो। देखो मिसेस करिश्मा सिंह जी, ये अपनी 4 दिन की नौकरी के लिए अपनी परमानेंट जॉब वाला रिस्क तो नहीं लेना चाहेंगे ना आप? इतनी बेवकूफ तो नहीं है आप? सर आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमें यहाँ पे भी कुछ घंटे देने हैं, वहाँ पे भी कुछ घंटे, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे सर, आप समझ रहे हैं हमारी बात को, नहीं हो पाएगा सर दोनों जॉब, आप समझिए ना, समझिए आप समझिए। आज डोज डबल कर देती हूँ।
कॉफी। कॉफी? तुम्हें तुम्हें कॉफी ट्राई करनी चाहिए, मेरे लिए भी कॉफी लेकर आओ। सर कॉफी पीने से क्या होगा? कॉफी कॉफी जो है ना वो स्ट्रेस का सबसे बड़ा इलाज होता है। मेरे डैड का भी यही कहना है कि गर्मा गर्म कॉफी के सिप लेने के बाद वाला जो डिसीजन होता है ना वो कभी गलत नहीं हो सकता है। तो तुम्हें कॉफी पीनी चाहिए, तुम कॉफी का गर्मा गर्म सिप लो और फिर डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कॉफी कहाँ से लाए? कॉफी सर एक एक मिनट, कॉफी आ गया है। कॉफी कॉफी भी पी लिया है। अब कॉफी पीने के बाद भी हम वापस से यही बात कहेंगे कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा तो हम 4 घंटा नहीं दे पाएंगे। देखिए मिसेस करिश्मा सिंह जी, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे दूसरी लाइन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। सर एक मिनट सर। हमारे ये सारे बॉस एक जैसे काय होते हैं, एकदम दिल के एकदम भावनाओं के कोरे, मतलब उनमें इंसानियत नहीं होता है, उनमें दिल नहीं होता है का? एकदम पत्थर दिल, एकदम मतलब एकदम सड़ू, एकदम I don't know। और तुम हमारे आंखों के आगे से चले जाओ तुम पहले। थैंक यू। ये कॉफी करिश्मा सिंह तक कैसे पहुंची? Can I help? बिल्ले? हाँ मैडम। यस बिल्ले, चक्कर आ रहा है हमको। हे हमको ऐसे क्या लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं का? आप हवा में उड़ रहे हैं? नहीं नहीं, जिनको आपने कंटाप लगा के हवा में उड़ाया ना उनकी बद्दुआ लगी है आपको, मतलब लग सकती है, ऐसे भी हो सकता है। बिल्ले तुम्हारी आंखें तुम्हारे चौखटे से बड़ा हो गया है, तो आप अपनी आंखें छोटी करके देखो ना। नहीं बिल्ले हमको बिठाओ, हमको बिठाओ, हमको बिठाओ। हाँ कहाँ बिठाए, हमको लेके चलो। हाँ आप अपनी सीट पर आइए, आराम से आराम से। इधर लेफ्ट 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 लेफ्ट। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आप ठीक हैं? हाँ मैडम सर, हम एकदम ठीक है मैडम सर, पर ये तो पूछना तो हमें चाहिए ना मैडम सर आपसे, आप ठीक है ना? नहीं वो भूलने का बीमारी चल रहा है ना आपका, वो आप कुछ भी सोचती हैं, कुछ भी सपने देख लेती हैं, कुछ भी हो जाता है आपको, किसी को भी गद्दार मान लेती हैं। क्या गद्दार? हाँ मैडम सर गद्दार, आपने हमें गद्दार समझा और हम ऐसे हैं कि हमको लगा कि अगर इस पूरी सृष्टि में हमें हमसे ज़्यादा कोई जानता है तो वो आप हैं मैडम सर, लेकिन आप ही हमें गलत समझ रही हैं। मैडम आप सीनियर टॉकिंग जूनियर। मैडम सर आप बताइए हम ऐसा कर सकते हैं का? नहीं मतलब आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया? हम अपनी वर्दी के साथ अपने फर्ज के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप ही बताइए। नहीं नहीं हमको पता लगा मैडम सर, जब से हमने यहाँ थाने से जाने का बात किया ना तो मैडम सर का जो है वो नज़रिया बदल गया है हमारी तरफ। नहीं अब हम वो करिश्मा सिंह नहीं रहे जो करिश्मा सिंह हम हुआ करते थे। जब तक करिश्मा सिंह मैडम सर के सामने यस मैडम सर, ओके मैडम सर, जी मैडम सर कर रही थी तब तक वो थी हीरो, और अब जब करिश्मा सिंह यहाँ से जाने का बात कर रही हैं तो वो हो गई जीरो। देखिए करिश्मा सिंह। नहीं मैडम सर आप हमें बताइए कि क्या करें हम क्या करें मैडम सर, आप बहुत बुद्धिमान है ना, आप बहुत आला दिमाग है, आप बहुत समझदार है ना मैडम सर, समझदार है ना? हाँ है। अगर हम आपको खुश करने के लिए मैडम सर यहाँ रुक भी जाते हैं तो उस सज्जन इंसान का क्या जिसके साथ ना इंसाफी हो रही है मैडम सर। ये सज्जन हम अम्मा के लल्ला का बात कर रहे हैं मैडम सर, वो इंसान जो पूरी दुनिया के विरोध के बाद भी हमें पूरे मान सम्मान और पूरे इज्जत के साथ हमें ब्याह कर लाया, जिसने पूरी दुनिया के बाद हमारे माँ बाप के बाद वो एक ऐसा इंसान बना मैडम सर जिसने हमें हमारे तरीके से जीने दिया,
कभी भी हमें किसी चीज के लिए नहीं रोका, कभी भी हमें बदलने का प्रयास नहीं किया उन्होंने मैडम सर, आप समझ रही हैं? इतना इतना समय निकल गया हमारी शादी को, इतना समय निकल गया, लेकिन हमने उनके साथ दो प्यार का बात नहीं किया आज तक बैठ के। कैसे करें, टाइम नहीं है ना, यहाँ बिजी रहते हैं हमें। अब आप बताइए, क्या उनका हक नहीं है कि वो हमारे साथ बैठ के बात करें, हम उनको टाइम दें? हम क्या गलत कर रहे हैं बताओ, समझाओ हम क्या गलत कर रहे हैं? अगर हम अपना बाकी का जिंदगी अपने पति देव को देना चाह रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं बताइए, समझाइए। करिश्मा सिंह, क्या आपने हमने नहीं 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 क्या करिश्मा सिंह ने पिछले एक दो घंटे में कुछ खाया है, पिया है, कुछ अलग पिया है? वाह, अभी भी मैडम सर आपको ऐसे लग रहा है कि हम ही गलत हैं? यहाँ आप हमें कहती है कि मत जाओ, वहाँ वो हमको कहता है कि चार घंटे के लिए आ जाओ। अम्मा हमारी भी तो कोई बात सुनो, हम क्या चाह रहे हैं? मैडम सर जैसे आपने ठाना है ना कि आप इस रैकेट को जड़ से खत्म करेंगी, हम उसमें आपका साथ देना चाहते हैं मैडम सर, हम भी इस रैकेट को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, आप समझ रही हैं? देखिए करिश्मा सिंह। अरे पुष्पा जी, क्या गंगाजल? एक मिनट, बारिश बारिश हो रही है, बारिश। हम इंसाफ दिला कर रहे हैं, हम उन मासूम लड़कियों को हम उनको कुछ नहीं होने देंगे मैडम सर, आप समझ रहे हैं? हम इंसाफ दिलाएंगे सारी लड़कियों को, आराम से। क्या कोई हमें बताएगा कि पिछले कुछ घंटों में करिश्मा सिंह ने क्या खाया है, क्या पिया है, किसी को पता है? कॉफी मैंने दी थी इनको, कॉफी मतलब जो बर्मी मैडम ने जो बनाई थी आपके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि इनके लिए जरूरत है तो मैंने इनको पिला दी, बस वही रोज वाली कॉफी जो ये आपके लिए लाती है वही। वो एक्चुअली कॉफी डबल स्ट्रॉन्ग थी तो शायद हिट कर गई है। नहीं मैडम, वो एक्चुअली कॉफी पीता है इंसान तो नींद से जग जाता है, लेकिन करिश्मा मैडम के साथ उल्टा हुआ है, वो सो गई है। ऑफ कोर्स कभी कभी एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से और नींद ना पूरी होने की वजह से इस तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं। और फिर जरूरी तो नहीं कि ये कॉफी की वजह से हुआ हो सकता है इन्होंने किसी और तरह की कोई और दवाई खाई हो। आई थिंक अब हमें इन्हें थोड़ा सोने देना चाहिए और जब ये उठेंगी तो आई एम श्योर फ्रेश फील करेंगी। नहीं नहीं, मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनकी तबीयत और बिगड़ जाए। अब हाँ पुष्पा जी, आप सही कह रही है, आई थिंक हमें एक बार कॉफी चेक करनी चाहिए कि एग्जैक्टली कॉफी में क्या था कि करिश्मा मैडम की ऐसी हालत हो गई। हाँ हाँ, चेक करनी चाहिए क्योंकि मामला इनकी सेहत का है, पता तो चलना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि हमने करिश्मा सिंह के कॉफी में कुछ मिलाया जिसकी वजह से उनकी आज ये हालत है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेबी। सॉरी बर्बी जी। ओके फाइन, मैं अभी प्रूव कर देती हूँ कि आप लोग जो सोच रहे हैं वो एकदम बेसलेस और नॉनसेंस है। आप सबको लगता है ना कि ये सब कुछ इस कॉफी की वजह से हो रहा है, तो ठीक है, वो अभी इसी वक्त हमारे सामने कॉफी टेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को भी कॉफी पीने के बाद कुछ भी होता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूं। चलिए शुरुआत मुझे से करते हैं। अब हम पियेंगे, हम भी।
पीजिए मैडम। मुझे पुष्पा जी, पुष्पा जी वो बस ऐसी कोई गाली दिया होगा, याद किया होगा, याद करने पर हिचकी आती है। अब ठीक है ना? हाँ हाँ, आखिरी हिचकी थोड़ी है। ओके, तो तसल्ली हो गई आप लोगों को? मुझे लगता है आज से हमें कॉफी बंद कर देनी चाहिए और मैं भी आप लोगों के साथ बदनाम की चाय ही पिया करूंगी। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है बारबी। दरअसल हम सब यहाँ एक दूसरे को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न रहते हैं। करिश्मा सिंह की ऐसी हालत देखकर सब शायद थोड़े जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो गए, और कुछ नहीं, इन सब की तरफ से हम माफी मांगते हैं। कॉफी बिल्कुल ठीक है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। संतोष शर्मा, हमने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आपसे जो काम करवाना चाहते हैं वो थाने के लैपटॉप पर नहीं हो सकता। ये देखिए, ये वो वेब एड्रेस है जिस पर वो गैंग लड़कियों के अश्लील फोटोज और वीडियोस अपलोड करता है, करेक्ट? लेकिन इसके अलावा उनका एक और ऐप है जिस पर वो लड़कियों को अपनी तरफ बुलाते हैं, खींचते हैं एक्टर और स्टार बनाने के बहाने। हमें उस ऐप को ढूंढना है। पर मैडम सर, ऐसे तो हजारों ऐप होंगे। करेक्ट, हो पाएगा? संतोष शर्मा मैडम सर, साइबर एक्सपर्ट, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। सब हो जाएगा। गुड, गेट टू वर्क। मिल गया मैडम सर। ग्रेट, दिखाओ। डाउनलोड करूं? आर यू श्योर वही ऐप है? 100% मैडम सर। ओके, करो।